मालदीव की मंत्री के बयान के बाद भारत के आम लोग ही नहीं सेलिब्रिटी भी गुस्से में हैं। और हिंदी फिल्म अभिनेता सलमान खान ने सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पर दिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। वहीं अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक जाते हैं और ऐसे में मालदीव की मंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ ही बॉलीवुड अभिनेता जॉन अब्राहम ने भी सोशल मीडिया लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर करते हुए अतिथि देव भवन। एक्टर श्रद्धा कपूर की बात करें, उन्होंने लक्षद्वीप के बीच की तारीफ की। ये चार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए सलमान खान की तरफ से भी ट्वीट किया गया, श्रद्धा कपूर का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जिसमें हर कोई लक्षद्वीप की तारीफ करता हुआ नजर आया। तो आम क्या खास भी जो है फिलहाल गुस्से में है जिस तरीके से टिप्पणी की गई है मालदीव की मंत्री की तरफ से। और इसी बीच एक्टर श्रद्धा कपूर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने क्या कुछ ट्वीट किया ये आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, लक्षद्वीप में प्राचीन समुद्र तट और कोस्ट लाइन्स हैं, स्थानीय संस्कृति समृद्ध है, मैं बहुत जल्द लक्षद्वीप छुट्टियों के लिए जाना चाहती हूँ। ये श्रद्धा कपूर की बातें। वहीं मालदीव सरकार की महिला मंत्री के बयान पर क्रिकेटर इरफान पठान ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा, 15 साल की उम्र से मैं दुनिया की यात्रा कर रहा हूँ और प्रत्येक देश की संस्कृति का सम्मान करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए नकारात्मक टिप्पणियां सुनना बहुत ज्यादा निराशाजनक है। तो इरफान पठान के अलावा सलमान खान की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, ट्वीट करते हुए लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर, स्वच्छ और आश्चर्यजनक समुद्र तटों पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत में है। ये सलमान खान का ट्वीट है और सलमान खान सहित और भी कई सेलिब्रिटी ने इस तरीके से ट्वीट किया है, अपनी भावनाएं जाहिर की। तो पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे से मालदीव को इतनी मिर्ची क्यों लगी है कि जरा इस आंकड़ों के जरिए समझिए। ये आंकड़े सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। 2023 में कुल करीब 17,58,000 पर्यटक पहुंचते हैं मालदीव में और इसके बाद आंकड़ा आप देखिए 2022 मतलब पिछले साल का आंकड़ा दिखाते हैं आपको। 2022 की तुलना में 12.6% ज्यादा टूरिस्ट 2023 में मालदीव पहुंचे थे। कुल पर्यटकों में 209,198 पर्यटक भारतीय थे। ये आंकड़ा कह रहा है कितना परेशान मालदीव क्यों हो रहा है जब लक्षद्वीप की हम बात करने लगते हैं। तो ये आंकड़ा जिस तरीके से बता रहा है कि अब व्यापार पर कितना असर पड़ेगा। मालदीव की इकोनॉमी समुद्री पर्यटन पर टिकी है, हम सब जानते हैं। हर साल लाखों टूरिस्ट मालदीव के तटों पर छुट्टियां बिताने पहुंचते हैं। अब आपको पिछले साल किस देश से कितने पर्यटक पहुंचे वो आंकड़ा दिखाते हैं और भारत से इसकी शुरुआत करते हैं। 209,198 ये भारत का आंकड़ा, रूस का है 209,146, चीन के लोग पहुंचते हैं 1,87,118। तो ये तीन देश जिनके जो पर्यटक पहुंचे उनका आंकड़ा। ब्रिटेन की बात करें तो 1,55,730, जर्मनी में 1,35,090, इटली के जो पर्यटक पहुंचते हैं वो 1,18,412 होते हैं, अमेरिका 775, फ्रांस के 49,199, स्विट्जरलैंड के 37,260। तो किस देश के कितने पर्यटक पहुंचे हैं ये आंकड़ा आपके सामने और इन्हीं आंकड़ों के जरिए, या यूं कहें कि इन्हीं पर्यटकों के जरिए मालदीव की इकोनॉमी चल रही है।